गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन. सो हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेलवेज. एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द चैप्टर द लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो हियर वी आर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यस्टरडेज वीडियो लेक्चर. एक्चुअली आई डिस्कस्ड एवरीथिंग देयर इन वर्चुअल क्लास. दोज हु आर नॉट प्रेजेंट देयर, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर देम. सो लेट अस बिगिन हियर. रेलवे ईयर बुक 2015-16, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This is the Indian Railway website here. Okay, you can see the broad gauge length is all about. excuse me. Broad gauge की जो width होती है वो होती है 1.676 और meter gauge की जो होती है वो almost 1 होती है. Narrow gauge की जो होती है 0.672 से 610 तक होती है. Remember this, okay? The Indian Railway is now reorganized into 16 zones. जो इंडियन रेलवे है वो ऑलमोस्ट 16 zones में divided है. The distribution of pattern of railway network in the country has been largely influenced by the फिजियोग्राफिक इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. जो हमारा रेलवे है, नेटवर्क जो है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है? फिजियोग्राफिक कंडीशन कैसी है, किसी एक जगह की कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स कैसे हैं. द नदर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ. राइट, जो नदर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल लैंड है, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और बहुत ज़्यादा रिच एग्रीकल्चर है, जिससे वहाँ पर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा पॉसिबल है. हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस द वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स. लेकिन कुछ जो रिवर्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस में ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, तो वो कुछ ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट करती हैं. इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गेप्स ऑफ टनल्स. ओके, जो हिली एरियाज हैं पेनिनसुलर रीजन के, वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक्स लगाई जाती हैं वो जनरली कैसे लगती हैं? हिल्स के अंदर से टनल वगैरह बनाकर, गेप्स वगैरह बनाकर. ओके, द हिमालयन माउंटेन्स रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो भी रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, क्योंकि एक तो हाई माउंटेन्स है, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, स्पार्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है, और साथ साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है वहाँ पर. लाइकवाइज इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड. साथ साथ में कुछ ऐसे एरियाज भी जहाँ पर मतलब रेलवे ट्रैक्स को बिछाना थोड़ा सा कठिन है, जैसे जो सैंडी प्लेन्स हैं, रेतीले प्लेन्स हैं राजस्थान के, या फिर स्वैम्पी दलदली एरिया गुजरात के हैं, फॉरेस्टेड ट्रैक जो हैं फॉरेस्टेड एरिया मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड. द कंटीजियस स्ट्रेच ऑफ सायद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गेप्स और पासेस. इन रीसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर्स एंड गुड्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया. अगर आज की बात की जाए तो जो कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट जो हो गया है, मतलब कोंकण रीजन का जो डेवलपमेंट हो गया, उसने वेस्ट कोस्ट एरिया को थोड़ा फैसिलिटेट कर दिया है, जिससे कि गुड्स और मूवमेंट वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो गया है. इट हैज़ आल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड, क्योंकि एरिया जो दलदली है उसकी वजह से काफ़ी जगह पर ऐसा होता है कि ट्रैक्स जो है वो सिंक कर जाते हैं, अंदर डूब जाते हैं. टुडे द रेलवे हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज रेलवे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, बाकी किसी भी इकोनॉमी के कंपैरिजन में. हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल. लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी कर रहा है, सफ़र कर रहा है उससे. मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, काफ़ी सारे पैसेंजर बिना टिकट के ट्रैवल कर जाते हैं. थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट स्टेड येट स्टॉप कम्प्लीटली. थेफ्ट होना, चोरी होना, या फिर जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसका डैमेज होना, वो अभी तक रुका नहीं है. पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, लोग ट्रेन्स रोकते हैं, पुल द चेन अननेसेसरली, वो मजाक में चेन खींच लेते हैं. दिस कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे, जिसकी वजह से रेलवे को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. थिंक ओवर इट, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, कि हम अपने रेलवे को टाइम शेड्यूल में कैसे पहुँचा सकते हैं. पाइपलाइंस नेक्स्ट इज, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो क्या है? एक नया अराइवल है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में इंडिया के. इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज. पहले इसी सारी चीज़ का यूज़ करते थे वाटर को, वाटर के थ्रू सिटीज़ में और इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए. नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू द रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट.
लेकिन आज हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू हम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गया, या फिर नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरी से नेचुरल गैस तक पहुँच, मतलब घरों तक पहुँचाना, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हो गई और थर्मल पावर हो गए. सॉलिड्स कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन. सॉलिड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक पाइपलाइन से, वैन कन्वर्टेड इंटू स्लरी, जो हम उसको स्लरी में कन्वर्ट कर लें, मतलब दलदल में थोड़े से कन्वर्ट कर लें. द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ द रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस. जो बहुत दूर दूर के प्लांट्स हैं, जैसे रिफाइनरीज प्लांटों का, बरौनी के, मथुरा के, पानीपत के, ये उसी बेसिस पे चल रहे हैं, पाइपलाइन के बेसिस पे चल रहे हैं. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल. जो ले डाउन की उसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन बाद में उसको मेंटेन करना बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाता है. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लूजेस और डीलेज. ओके, इस ये जो ट्रांसशिपमेंट होता है, फिर डीले होता है, वो नहीं होता है पाइपलाइन के थ्रू, क्योंकि सिर्फ पाइपलाइन के थ्रू ऑयल जाना है, राइट, या फिर कोई क्रूड जाना है, तो उसमें कोई डिले नहीं होता, ट्रेन वगैरह तो है नहीं इसमें डिले हो जाए. देर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री. थ्री मेन ट्रांसपोर्टेशन हैं, नेटवर्क हैं इंडिया में. पहला कौन सा है, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर. देखिए, अपर असम से कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड अलाहाबाद, वहाँ से आता है अब असम से. इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, राइट. हियर वी आर. नेक्स्ट इज फ्रॉम सलाया टू इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब. फ्रॉम वाईग्राम, मथुरा, रैली एंड सोनीपत इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली एंड अदर प्लेसेज. गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हरीजा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर उत्तर प्रदेश बाय विजयपुर इन मध्य प्रदेश. इट हैज़ ब्रांचेज इन कोटा इन राजस्थान, शाहजहाँपुर, बरबल एंड अदर प्लेसेज इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज वाटरवेज. सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्री. अगर एंशियंट पीरियड की बात करें तो इंडिया क्या है, शुरू से एक सी फारिंग कंट्री रहा, मतलब सी से ट्रैवल करने वाली कंट्री रहा. इट सीम्स इट्स ए सीमैन सेल्ड फार एंड नियर. इसके जो सीमैन थे वो बहुत दूर दूर तक फैले हैं, मतलब उन्होंने ट्रैवल किया. हैज़ कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, इंडियन कॉमर्स को, कल्चर को बढ़ाया है, कॉमर्स मतलब बिजनेस को. वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज क्या होता है, सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स या फिर बल्की गुड्स को कैरी करने के, बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा. इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट होता है और साथ साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है. इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवे ऑफ अबाउट 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. इंडिया का जो नेविगेशन पार्ट है वाटरवेज का, वो ऑलमोस्ट 14,500 किलोमीटर लेंथ में. आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर्स आर नेविगेबल. इतना नेविगेबल हो चुका है बाय मशीन्स, मैकेनाइज्ड वेसल. द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट. जो नीचे वाटरवेज लिखे हुए हैं उनको गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया. द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया. ओके, इट इज़ अबाउट 1,620 किलोमीटर. NW नंबर वन. द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन संधिया एंड डुबरी. इट इज़ 891 किलोमीटर. द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोटापुरम उद्योग मंडल एंड चंपाकरा कैनल्स. इट इज़ अबाउट 205 किलोमीटर. देन स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी, कृष्णा रिवर्स अलॉन्ग विद काकीनाडा, पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स. इट इज़ अबाउट 1,700 किलोमीटर. स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ ब्राह्मणी अलॉन्ग विद मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी. दिस इज ऑल अबाउट. ओके, एंड दीज आर द मोस्ट गिवन. द नेक्स्ट वन इज द ब्राह्मी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, विच इज़ अबाउट 588 किलोमीटर्स. देर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस. काफ़ी और भी इनलैंड वाटरवेज जहाँ पर अलग अलग तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होती है. दीज आर मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरबंस, बैरक बैक वाटर ऑफ केरला. अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडियाज ट्रेड विथ फॉरिन कंट्रीज इज कैरीड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट. 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, अबाउट 60% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इज मूव्ड बाई सी. 95% जो टोटल कंट्री की ट्रेड होती है वो सी के थ्रू होती है. मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से, मेजर सी पोर्ट्स हैं विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स. ओके, 12 मेजर
मतलब 12 बड़े बड़े और 200 छोटे छोटे पोर्ट्स जो हैं इंडिया में नोटिफाइड हैं. दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. इनमें इंडिया की 95% फॉरेन ट्रेड हैंडल होती है. कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन. ओके, कांडला जो कि कच्छ में है वो ऑलमोस्ट इंडिया का फर्स्ट पोर्ट था. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले मुंबई पोर्ट था उसका वॉल्यूम को कम करने के लिए. उससे पहले कराची पोर्ट हुआ करता था लेकिन वो पाकिस्तान का पार्टीशन होकर वो अलग हो गया. कांडला इज़ अ टाइडल पोर्ट, टाइडल बेस पे होता है. इट केटर्स द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड ग्रेनरी एंड इंसर्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट. इंडस्ट्रियल बेल्ट पे पड़ता है इसलिए उसका अलग ही फायदे हैं. स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, जिससे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बाकी एरिया में सामान पहुँचाना ईजी होता है. मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेटर्ड हार्बर. मुंबई क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का क्योंकि वहाँ पर नेचुरल हार्बर बना हुआ है. द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्लान्ड विद अ व्यू ऑफ डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन. ओके, मुंबई पोर्ट के साथ साथ ही एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना दिया गया जिससे कि उसके जो कंजेशन है, जो बहुत ज़्यादा एरिया ले रखा है मुंबई पोर्ट ने, उसको कम किया जा सके. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ.